Hi guys, welcome to our channel. यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच में तो फर्स्ट ओडीआई खेला गया है, तीन ओडीआई की सीरीज में से एक, उसके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स की, इसलिए देखते रहिए आप वीडियो को लास्ट तक। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप पाएंगे आने वाले मैचेस के हाईलाइटेड पॉइंट्स सबसे पहले। तो बढ़ेंगे वीडियो में आगे और आपको बताएंगे इस मैच के बारे में। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और ये बल्लेबाजी करने का फैसला सही साबित होता ही नजर आ रहा था क्योंकि बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट के होकर 321 रन बना दिए, जो काफी बड़ा स्कोर था जिम्बाब्वे के लिए। 50 ओवरों के अंदर बांग्लादेश के द्वारा स्कोर बनाया, जिम्बाब्वे के द्वारा इसका पीछा किया गया, लेकिन इसके आधे से भी कम स्कोर पर जिम्बाब्वे की टीम पूरी लुढ़क गई और 39 पॉइंट एक ओवर खेलकर वापस पवेलियन लौट गई। बात कर लेते हैं सबसे पहले बांग्लादेश की तरफ से बैटिंग की, तो बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने 126 रन बनाए, वहीं तैयब इकबाल ने 24 रन बनाए, तो वहीं सांतो ने 29 रन बनाए और मुशफिकुर रहीम विकेट कीपर ने 19 रन बनाए। वहीं बात करी जाए महमदुल्ला की तो उन्होंने 32 रन बनाए, तो वहीं मिथुन ने 50 रन बनाए, वहीं सफुद्दीन ने 28 रन बनाए और हसन ने 7 रन बनाए। वहीं मशरफ मुर्तजा ने 0 रन बनाए क्योंकि उन्होंने एक भी बॉल नहीं खेली। बात करी जाए अब अगर जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की तरफ से पोफू ने 2 विकेट लिए और मुम्बा को 1 विकेट, मदवीरे को भी 1 विकेट और त्रिपानो को भी 1 विकेट हासिल हुआ। बात करी जाए अब अगर जिम्बाब्वे की बैटिंग की, जिम्बाब्वे की तरफ से कैप्टन चिबावा ने महज 10 रन बनाए, वहीं चकाबुआ ने 11 रन बनाए, वहीं मदवीरे ने जो कि 1 विकेट भी ले चुके हैं उन्होंने 35 रन बनाए और रज्जा ने 18 रन बनाए और इस प्रकार से बैटिंग देखने को मिली जहां पर कोई भी खिलाड़ी सही से खेल नहीं पाया। अब अगर बात करी जाए बांग्लादेश की बॉलिंग की, बांग्लादेश की तरफ से मुस्ताफिजुर रहमान ने 6 ओवर फेंके 22 रन देकर 1 विकेट झटका, वहीं सैफुद्दीन ने 7 ओवर के अंदर 22 रन देकर 3 विकेट झटका, तो वहीं मशरफ मुर्तजा ने 6.1 ओवर के अंदर 35 रन देकर 2 विकेट झटके, वहीं इस्लाम ने 1 विकेट और हसन ने 2 विकेट लिए और इस प्रकार से बॉलिंग देखने को मिली बांग्लादेश की तरफ से। और इसी प्रकार से मैच जीतने को देखने को मिला बांग्लादेश की तरफ से, जहाँ पर ऐसा देखने को मिला कि पहला जो ओडीआई था वो पूरी तरीके से बांग्लादेश के हाथ में गया है। अब देखना होगा सेकेंड ओडीआई में क्या जिम्बाब्वे वापस कमबैक कर पाएगी या नहीं पाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।